सब श्रीकाल, मेरा नाम करमजीत कौर है। क्लास बी ए सैकेंड ईयर संस्था ईयर कॉलेज खन्ना। सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पुरब दीआं बहुत बहुत मुबारक। अज इस संबंध में मैं आप जी दे नाल अपने कुछ विचार सांझे करना चाहती हाँ। प्रगट वाहिगुरु तेग बहादुर सगल सृष्टि पै ढापी चादर। श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु जी की कहानी दुनिया के इतिहास की अद्भुत कुरबानी है, क्योंकि उन्होंने शहीदी अपने भाईचारे लिए नहीं सगों किसी दूसरे धर्म की डुबदी हुई बेड़ी और मानवता को बचाने के लिए हुई। इस तरह इस गौरवमय शहीदी ने सिर्फ सिख इतिहास में ही नवा राह ना दिखाया, सगों पूरे विश्व में सच इंसाफ और धर्म लिए मर मिटन का साहस पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। गुरु जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में 1 अप्रैल 1621 गुरु हरगोबिंद साहिब के घर होया। उन्होंने माता जी का नाम नानकी जी से। गुरु जी के बचपन का नाम त्यागमल से। 14 साल की उम्र में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए आपने जो वीरता दिखाई, उस वीरता देखते हुए आप के पिता जी ने आप का नाम त्यागमल तो तेग बहादुर रख दिता। गुरु तेग बहादुर जी ने 15 रागों में 115 पदों की रचना की, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के अंत में दर्ज है। कहो नानक सोई सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह करतारपुर वासी लाल चंद की धार्मिक ख्याल वाली पुत्री बीबी गुजरी जी के नाल होया। विवाह के 34 साल बाद गुरु जी के घर गोबिंद राय नामक पुत्र का जन्म होया। गुरु जी ने सदा एकता प्रेम और भाईचारे का संदेश दिता। गुरु जी के अनुसार मनुख को ना तो घबराना चाहिए है और ना ही किसी को डरना चाहिए है। उन्होंने जीवन का पहला उपदेश यही सी कि धर्म का मार्ग सच का मार्ग है तो सच्चाई की हमेशा जित होती है। गुरु जी के अनुसार गलतियां हमेशा माफ़ की जा सकती हैं जेकर तुहाडे कोल उस नूं सहण की शक्ति है। उन्होंने अपनी बाणी में लिखा हार ते जित ये तुहाडी सोच ते निर्भर करता है। मन लो तो हार है, ठान लो तो जित है। गुरु तेग बहादुर जी के समय मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन से। वह बहुत अत्याचारी कट्टर सुनी शासक से। औरंगजेब सबनों मुसलमान बनाना चाहता सी। आप जी ने अकाल पुरख के मार्ग से चलदिया होया अपना शीश दे दिता, परंतु अपना धर्म नहीं दिता। गुरु तेग बहादुर जी को संबोधित करते हुए औरंगजेब कहता है, मेरा उद्देश्य है कि इस धरती पर कोई हिंदू ना रहे। जो हिंदू इस्लामी धर्म ग्रहण कर लवेगा, मैं उसनु अपनी पुत्री तक अर्पित कर सकता हाँ। इस दे उत्तर विच श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जेकर ईश्वर ने चाहिया हुंदा तां हिंदू जन्म ही नहीं लैंदे, तुरक ही दिन रात पैदा हुंदे रहते। औरंगजेब दीआं गल्लां सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, मैं अपने हरमन प्यारे हिंदू धर्म को किवें छड़ सकता हाँ। साडा यह धर्म लोक अते परलोक दोनों विच सुख देने वाला है। हिंदू धर्म के समान कोई दूसरा धर्म मेनु दिखाई नहीं दिंदा। जो मूर्ख मत व्यक्ति है उही इस नूं त्यागण की कोशिश करता है। अजिहा व्यक्ति इस संसार विच अनेकां दुख भोगता है अते यमराज भी उस नूं दुख देण तो नहीं घबराउंदा। औरंगजेब सी के जब उस नूं अपनी जित का कोई राह ना दिखाई दिता तो उसनों हिंदुओं को मरवाना शुरू कर दिता। उन्होंने बहु बेटियों अपमानित कर लगा। गुजरात के चिंतामणि के विशाल मंदिर को गिरवा दिता तो गऊ हत्या करवाई। इस मंदिर के पत्थरों तो मस्जिद का निर्माण करवाया। सोमनाथ मथुरा काशी के सारे प्रमुख मंदिरों को गिरवा दिता। औरंगजेब असल में सारे ब्राह्मणों को मुसलमान बनाना चाहता सी। इस करके कश्मीर के ब्राह्मणों पर अनेक अत्याचार किए जा रहे सन। इस गल पर गंभीरता में विचार विमर्श करने उपरंत पंडित कृपा राम दत्त की अगुवाई 16 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल गुरु तेग बहादुर जी को मिलिया तो औरंगजेब द्वारा किए जा रहे अत्याचार बारे गुरु जी को जाणू करवाया। अंत आत्म बलिदान का फैसला लैण उपरंत आप जी ने अपने पुत्र गोबिंद राय को गुरगद्दी सौंप दी, जो कि सिखां दे 10वें गुरु होए ते आप अपने साथियों भाई मती दस, भाई सती दस ते भाई दयाला दास जी दे नाल दिल्ली वल रवाना कर गए। सरहद के हाकम ने आप नूं रस्ते विच ही शहीद कर गिरफ्तार करके औरंगजेब के सामने कर दिता। अंत आप जी 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिता गया। जिस स्थान पर आप नूं शहीद किया गया उस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब शोभित है।